नमस्कार विसिता फूड मेकिंग में आप सबको स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ ढेकिया साग और आलू की भाजी रेसिपी। आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी ढेकिया साग मैं कैसे बनाती हूँ। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ ढेकिया साग बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। मैं ये ढेकिया साग ली हूँ। ढेकिया साग को मैं अच्छे तरह से साफ करके छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ ली हूँ उसको, और एक मैं बड़ा साइज का आलू ले रही हूँ। इस आलू को भी ऐसे टुकड़ों में काट रही हूँ। मैं ले रही हूँ ऑयल और ले रही हूँ मैं नमक हल्दी और पाँचफोरन। और ढेकिया साग में बहुत सारी औषधि गुण भी होती है, इसीलिए हमें इसको खाना चाहिए। अब मैं इसको बनाना चाहती हूँ। चलिए मैं गैस पे एक पैन रख दी हूँ। उस पैन पे मैंने 2 चम्मच करीब ऑयल डाली हूँ। उसमें मैं डाल रही हूँ 2 सूखी मिर्च। मैं सूखी मिर्च को दिखाना भूल गई थी। और इसमें डाल रही हूँ जो पाँचफोरन रखी थी वो पाँचफोरन डाल रही हूँ। उसके बाद मैंने उसको ऐसे चला लिया थोड़ी देर। उसके बाद मैंने जो आलू काट के रखी थी उसको डाल दी। आलू को भी ऐसे तेल के साथ मिला लिया। और उसके बाद मैं नमक हल्दी स्वाद अनुसार दोनों डाल दिया। नमक हल्दी को आलू के साथ मिला के आलू को मैंने 2 मिनट के लिए ढक्कन लगा के पकने दिया। अभी 2 मिनट के बाद आलू थोड़ा थोड़ा पक गई है। अभी मैं उसमें वो जो साग काट के रखी थी मैंने उसको डाल दूँगी। ये ढेकिया साग है, अभी बहुत ज़्यादा लग रही है, ये थोड़ी पकने के बाद यह थोड़ा कम हो जाएगी। अभी मैं उसको आलू के साथ अच्छे तरह से मिला ली हूँ। मिलाने के बाद अभी मैं उसको और थोड़ी देर के लिए ढक्कन लगा के पकने दूँगी। ये देखिए कुछ देर बाद मैंने ढक्कन हटा के देखा यह कितना कम हो गई है। और देखिए ये आलू भी पक गई है और साग भी सब्जी हो गई। अभी मैं उसको एक प्लेट में निकाल रही हूँ। देखिए मेरा आलू ढेकिया की भाजी रेडी हो गई। ये हम रोटी या चावल के साथ खा सकते हैं। अगर मेरे ढेकिया साग आलू की भाजी आपको पसंद आई है तो लाइक कमेंट और शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।